टीचर्स डे, अरे ये टीचर है हमारे जी, हिंदी हमेशा करेक्ट करते रहते, प्रणाम कीजिए, प्रणाम, मैनर्स सिखाते रहते, हर बात में तमीज चाहिए इनको, तो प्रणाम, विश प्रणाम, प्रणाम, पैर छुए, लो भाई पैर छुए, दे दिया आशीर्वाद। अगर स्कूल टाइम की बात करें या कॉलेज टाइम, एक्शन का स्कूल टाइम याद है एडो, तेरे तू तो बड़ी हो गई होगी तब, हाँ तू कॉलेज में जाती होगी ना, बचपन से ही बड़ी हूँ, बचपन से ही बड़ी हूँ, हाँ जी आप बोलिए तो चलता रहता है इसका। एक्चुअली मैं स्कूल में सबसे लंबी थी, मैं उनको नहीं बोलने दूंगी यार, तो एक्शन का स्कूल टाइम वो शूज मुझे फिट नहीं आते थे, आई एम श्योर ये फीमेल खली है, ये गंदा वाला था, बिल्कुल भी नहीं, ये देखो हंसी भी नहीं इस पर, यार मेरे को स्कूल में बहुत पढ़ी है, बेसिकली हिंदी टीचर है वो, समृद्ध को भी पता है क्योंकि हम सेम स्कूल के हैं, दीप्ति मैम उनका नाम है, और हिंदी पढ़ाती थी और ऐसे मतलब कस के थप्पड़ पड़ते थे ना, तो वो तो मुझे याद है, और ताइक्वांडो टीचर थे, उन्होंने भी एक दो मारे हैं थप्पड़, ताइक्वांडो टीचर, ताइक्वांडो है ना, तो उन्होंने भी थप्पड़ मारे हैं, और किसने मारा मुझे, हाँ बस हिंदी टीचर, और मेरे एक ट्यूशन टीचर होते थे वो जॉर्ज सर उनका नाम था, क्रिश्चियन थे, तो जब भी मैं अगर मुझे कुछ याद नहीं होता था वो यहाँ इधर ना ऐसे पिंच करते थे, और उनका जो हाँ ये भी करती, उनका नेल बहुत बड़ा होता था वो, मैं बोल रहा हूँ कुछ उनका, हाँ ओसी टीचर के बाद में आते हैं, पहले मैं अपने जॉर्ज सर का नाम ले रहा हूँ, तो उनका जो ये थंब वाला नाखून होता ना वो इतना बड़ा होता था, लाइक जो जैसे लड़कियों का होता है, तो उस नाखून से वैसे पिंच करते थे और बहुत दर्द होती थी। अब आप बताइए, दीपक सर हिंदी टीचर, नहीं नहीं तुम पकड़ो ना, अरे क्या प्रॉब्लम है, कितनी बार मैं रिपोर्टर बनी हूँ तुम्हारी, पकड़ो चुपचाप जाओ, बीच में रखो माइक, डांट रही है मुझे। ओके तो मेरे भी हिंदी सर जो थे, दीपक सर, हिंदी सर, हिंदी सर, हाँ दीपक, हिंदी सर टीचर नहीं थे ना, हिंदी सर, हिंदी सर थे, ओके क्या बोलूँ मैं, हाँ बोलिए आगे, आप वो भी आप ही सिखा दीजिए गुरुजी। तो उनसे हमेशा थप्पड़ नहीं मारते थे, स्केल से मारते थे, ऐसा हाथ आगे, बट तू तो डिजर्व भी करती है, देखिए मैं पढ़ाई लिखाई में जीरो थी, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई लिखाई में, और मेरी टीचर्स कभी भी मुझसे खुश नहीं थी, वो बचपन में फर्स्ट क्लास से लेके मेरी मैथ्स टीचर 11th 12th तक दीपक सर, सबको परेशान किया मैंने, और हमारी ओसी टीचर थी, फर्स्ट में भी मैथ्स अच्छी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, मेरी फोर्थ तक बहुत अच्छी थी, उसके बाद मेरी आज 11th 12th में स्टैटिस्टिक्स थोड़ी अच्छी हो गई थी, अकाउंट्स वगैरह में ठीक हो गई थी, बट पहले तो मैथ्स में माशाल्लाह थी मैं, और माशाल्लाह ही है यार, हो गया बोलूँ अभी मैं, डिस्टर्ब मत कर। अच्छा तो हाँ तो हम क्या कह रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़। एक टीचर का बोलना बोल गई, ओसी टीचर, बिनी टीचर, तो ये जो चिमटी वाली बात इन्होंने बताई, बिनी टीचर हम लोगों को चिमटी देते थे, सेम पनिशमेंट, तो ओसी और अकाउंट्स के लिए हम लोगों को पढ़ती थी, ऐसे ऐसे मिलती थी। अब तो आई गेस टीचर्स अब सुधर गए होंगे, अब ऐसे चूटियाँ नहीं काटते होंगे, है ना। नकल से मार खाई है, हाँ मेरे को भी पढ़े हैं डंडे वंडे पढ़े अकाउंट्स के लिए। हाँ एक मैथ्स की टीचर थी मेरी, सुचंदा मैम था उनका नाम, तो उनका एक्सेंट थोड़ा था, थोड़ी वो साउथ से थी, तो हम वो थोड़े बहुत पंगे उनसे लेते थे और फिर मार भी खाते थे, तो बस हाँ यही सब चलता रहता था। बिनी मैम, दीपेना टीचर, अब तो मैं काफ़ी टाइम से उन लोगों से टच में नहीं हूँ, हमारे प्रिंसिपल सर उनकी कॉपी होती थी। इसी से मारूंगी मैं, क्या बताओ अब, बिनी मैम का तो हम यही दूसरों पे ये पिंच करते रहते थे, दीपक सर है ना, उनके चश्मे ये मोटे मोटे ग्लासेस होते थे उनके, कितने ये मोटे वाले, हाँ ये मोटे मोटे क्लासेस होते, तो उनकी कॉपी बहुत होती थी, हिंदी सर थे तो जब भी पलटते थे यहाँ पीछे सब, मैम एक ऐसी चीज़ याद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ ये पता है कि सबका बहुत, हम सब इमिटेट करते थे उनको। तो कभी क्लास में ऐसा हो गया क्लास से बाहर निकाल
बहुत बार, मैं तो एक बार स्कूल एक बार स्कूल से मैं रेस्टिकेट भी हो गया था, हफ्ते की छुट्टी मिल गई थी मुझे, बहुत ही स्टूपिड रीज़न था। बेसिकली मेरा फ्रेंड ना डियो लाया था क्लास में, और तो ऐसे ही फ्री पीरियड टाइप हुआ, तो मैंने उसका डियो निकाला, थोड़ा बहुत ऐसे अपने ऊपर मारा, एक फ्रेंड ने मारा, और हमने ऐसे क्लास में फुल, तब नया नया शौक था ना, सेवन्थ एट्थ की बात है, तो ऐसे पूरी क्लास में ऐसे डियो मार दिया। तो एक मेरी फ्रेंड ही थी, मीरा उसका नाम है, अभी भी मेरी दोस्त है, शी हैड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बेसिकली अस्थमा से रिलेटेड उसको कुछ था, तो वो थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो गई, उसने जाके कंप्लेंट कर दी, और फिर सर वर आए, एक एक सस्पेंड कर दिया, थप्पड़ मारा यहाँ पे, और फिर हफ्ते की छुट्टी मिली, लग गया डियो, घर पे। फिर मैंने क्या सोचा था, डीओ लगा के लड़कियां आएंगी, सर आए और थप्पड़ पड़ा, कोई इधर किस करे, कोई इधर, और इधर ही थप्पड़ पड़ा था। मैं क्लास के बाहर भी मैं बहुत बार जाता था, होमवर्क नहीं करता था तो जाना पड़ता था, नहीं तो बुक्स हमेशा इनकम्प्लीट होती थी, मम्मी पापा मार मूर के क्लास तो स्कूल तो भेज देते थे, लेकिन होमवर्क नहीं किया, मैंने वो सब नोट्स पूरे नहीं है, मैंने वो सब भी बहुत किया है। जब वो बोलते ना पेरेंट्स के साइन लेके आओ, तो मैं अपने भाई से करवा लेता था, पापा के साइन कर देना यार, तो वो सब बहुत किया है। मैं तो पापा के साइन मतलब कैलेंडर भरा होता था, सारे साइन, मेरे पापा के साइन बहुत डिफिकल्ट थे, तो मेरा भाई कर पाता था, मुझसे ना हो पाता था। या हाँ, बेसिकली होता क्या था, जब हम स्कूल में थे, अब जैसे बाहर निकाल दिया, होमवर्क नहीं किया, तो बहुत स्ट्रेस लगता था यार, इतना स्ट्रेस है लाइफ में कि शिट यार होमवर्क करना है, कल टीचर बाहर निकाल देगी, तो वो तब इतना बड़ा स्ट्रेस लगता था। पर अब जब हम बड़े हो गए हैं, तो इतने ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, तो लगता है यार वो ही बढ़िया था, मतलब स्कूल टाइम वॉज द बेस्ट, एंड आई स्टिल मिस माई स्कूल टाइम्स। और वो स्ट्रेस जो होता है अभी भी, अगर स्कूल में जो बच्चे देख रहे हो, तो आपको अभी भी लगेगा कि आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, बहुत स्ट्रेस है, काम होमवर्क है वो, आप बड़े होंगे तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा लाइफ में, इसलिए स्कूल लाइफ अपनी इन्जॉय करो, दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। साहिल ने ये बहुत अच्छी बात की कि अपने स्कूल टाइम इन्जॉय करो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बोरिंग थी स्कूल में, भी मेरे कोई खास फ्रेंड्स थे नहीं, और तब से ऐसी है, हाँ मैं हमेशा से ऐसी हूँ, बोरिंग हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ बहुत खास किया नहीं है। ये डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है, मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा है? तो हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ है जो मैं कर सकती थी, और अगर अभी भी मुझे मौका मिले तो मैं फिर से वो स्कूल जाएगी, जीना चाहूँगी, बट हाँ बस ये है कि एंजॉय स्कूल में डाल देते हैं। और अब ऐसे मैं कभी कुछ रिग्रेट नहीं करती हूँ लाइफ में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काश मैंने तब कुछ मस्ती किया होता, मस्ती की होती, थोड़ी बहुत की है मैंने, इतनी नहीं की है जैसे मैं लोगों की कहानियाँ सुनती हूँ, किससे सुनती हूँ, पढ़ने में कमज़ोर होना और क्लास से बाहर निकल के खड़े होना, दो चार हाई इनफ नहीं लग रहा है मुझे, मैंने कभी किसी एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो चीज़ें मुझे करनी चाहिए, ठीक है, इससे मुझे याद करती हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, ले बोल, हाँ तो मुझे इससे याद आया, इससे आ रहा है, मैं स्कूल में ना बहुत शाय था, मैं ज़्यादा बोलता नहीं था और चुप चुप रहता था, और कॉन्फिडेंस लेवल इतना God. नहीं था, ओ माय गॉड, हाँ यही सच है, रीज़न मेरे भी कोई खास फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड्स बहुत थे, लड़के तो हम 10-12 लोगों का ग्रुप था, हाँ तू उधर जाके बोल, हाँ तो उसके बाद ना, हाँ मैं अपने स्कूल का हाउस कैप्टन बना था 11th में, न्यूटन हाउस कैप्टन, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, और वो मैं चेहरे यहाँ मेरे बैच लगता था हाउस कैप्टन का, और मैं एकदम चौड़ा हो गया स्कूल में घूमता था। जब वो मैंने स्पीच दी थी ना, जब मुझे सबको बोलना था कि आई एम स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ न्यूटन हाउस कैप्टन, प्लीज़ वोट फॉर मी, तो मैंने पता नहीं कैसे इतना कॉन्फिडेंस ला के वो स्पीच दी थी, और मुझे लग नहीं रहा था मैं सेलेक्ट हूँ, बट सारी लड़कियाँ सब ने मुझे वोट किया, लड़कियों की तादाद, थैंक यू गर्ल्स, लड़कियों की तादाद ज्यादा थी इनके स्कूल में, इसीलिए सारे वोट्स मिल गए और ये जीत गए जी। हाँ। ऐसा ही था, दीप्ति मैम के बारे में बता दिया, थप्पड़ पड़ते थे, इसे भी पढ़े हैं थप्पड़, मैंने बहुत खाए हैं यार, दीप्ति मैम हिंदी पढ़ाती थी, मैं एक बात बताऊं, मैं जब रायन में था ना, दीप्ति मैम डॉक्टर दीप्ति मैम, डॉक्टर दीप्ति शर्मा, हाँ तो उनको बोले दीप्ति मैम, तो बोलते थे डॉक्टर, आई एम डॉक्टर, एंड आई रिस्पेक्ट दैट डॉक्टर, तो मेरे फ्रेंड के ना हाथ में ना कुछ ऐसे, तरुण जसूजा उसका नाम है, अगर तू भी देख रहा है तू भी याद रखते रहे ना, इसके ना हाथ में थोड़े ऐसे निशान पड़ गए थे, डोंट टेल मी वो दीप्ति मैम को आ गया, मैंने बोला, मैंने कहा डॉक्टर डॉक्टर है जाके पूछ ले, कहता डॉक्टर कहती बेटे मैं पीएचडी वाली डॉक्टर हूँ, मैं डिस्कोपली डॉक्टर नहीं हूँ।
तो ये हाँ दीप्ति मैम की कहानी याद आ गई, नाम लेते मैम रविंदर मैम, रविंदर मैम उनके हाथ, उनका हाथ उनका इतना बड़ा संगीता जैसा हाथ होगा, ये तो बहुत ही नाजुक है। एनके एनके सर, एनके तमिल से बोले एनके सर, एनके एनके जितना ही बोला मैंने, एनके जी जितना में जी भी आया ना जी, तो उनका वो बहुत मारती थी इसने, मैंने बहुत सेम सेम थप्पड़ खाए एंड बहुत अच्छी मेमोरीज है स्कूल की। हाँ थप्पड़ की तो बहुत मेमोरीज है, मतलब कौन सा टीचर ऐसा नहीं जिससे हमने मार नहीं खाई हो। भंडारी सर डंडे खाए हमने, भंडारी सर हमारे बैंड टीचर थे वो। तो टीचर्स डे के दिन हमने सारी थप्पड़ की बात कर दी, किसी तारीफ तो की नहीं है। नहीं मैंने की, मैंने बोला टीचर्स ने हमें बंदा बनाया, आज जो हम हैं बंदा बनाया, वो हमारे टीचर्स की वजह से। एंड रायन इंटरनेशनल थैंक यू, थैंक यू सो मच, हमें जितना आपने एजुकेट किया, हमें बताया कि डॉक्टर पीएचडी वाला अलग होता है और वो वाला अलग होता है, तो हमें आज तक पता नहीं था। सो तू रेस्टिकेट हुआ था स्कूल में? ना रेस्टिकेट नहीं होता, मैं सिर्फ बंक करता हूँ, पकड़ा जाता हूँ, थप्पड़ खाता हूँ, क्लास में कभी बैठे ही नहीं, हमेशा निकाले के बाहर ही खड़े रहूँ मैं हमेशा ऐसे। और फिर वो हम लोग वॉक पर निकल जाया करते थे, जब वो पकड़ जाते थे ना तब और पढ़ते थे, तू वॉक पर कैसे निकल गया? मैंने कहा मैं क्या करूँ बाहर खड़ोगे, पढ़ाई तो कर नहीं सकता, तो एटलीस्ट बाहर जाने दो ना। तो ये प्रॉब्लम है लाइफ में, बट ठीक है यार, हाँ वो मजेदार था यार, मजा पड़ाता था। तो रविंद्र मैम की करते उनका जो आवाज, नहीं भाई पागल है क्या, रविंद्र मैम देख रही होंगी तो नहीं यार, तेरी टीचर इतनी वेली है, देखेंगी ये इंटरव्यू, बोल पॉइंट मारा इसने, इससे बोलना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ रविंद्र मैम देखेंगे, तू बताएगा तेरे स्कूल की टीचर है, तुम दोनों के स्कूल के सुनील सर थे हमारे, सुनील सर हमारे ना पीटी में थे, सुनील सर, सुनील सर वो पता कैसे मारते थे आपको, अगर बाकी तो थप्पड़ तो उनका नया था तरीका, ये बच्चे मारूंगा नहीं मारूंगा, ऐसे ऐसे करेंगे करके ना, ये पकड़ के ना ऐसे खींचते थे ऊपर, और हमने अपने टोल में सर सर हमारा ये होता था, वो सुनील सर भी ऐसे करते थे, तो सबके अपने अपने तरीके थे, बट इन सब चीजों से ही आज हम काबिल काबिल बने, काबिल लड़के। तो हमने अपने स्कूल का बहुत नाम रोशन कर दिया, नहीं यहाँ पे दिल बी प्राउड ऑफ अस, एंड एक बार वो देख ली, मेक श्योर कि ये उन तक पहुंच जाए। वो भी परेशान हो गया, अब बस अब बहुत हो गया यार, टीचर के साथ कुछ भी कह लो, चाहे कितना भी मारती खेलती कूदती है, लेकिन मजा याद आता है ना उनके बारे में, उनके मेमोरीज बहुत बनती है। टीचर सोनिका मैम है, सोनिका मैम, सोनिका मैम बढ़िया थी, वो हक करती, सोनिका मैम बहुत बढ़िया थी और वो सुंदर भी बहुत है। हाँ तो तब जो हाथ करती थी ना तो अच्छा लगता, हम तो खो जाते थे। हाँ वो सुंदर भी बहुत है, हाँ बहुत स्वीट है, शी इज वेरी स्वीट, स्वीट सभी हैं, सबके अपने तरीके हैं, बट हाँ मार खा के भी मस्त ही थे, तो ऐसा नहीं है कि हमें तो बेशर्म थे, नहीं वो टीचर्स को और गुस्सा आता था, हाँ लोग हाथ कैसे रहे, हाथ कैसे रहे, लेकिन मजा उसी में आता था। तो दिस इज लाइफ ऑफ आई, चलते रहता है यार, एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, एंड टीचर जरूरी नहीं जो हमारे स्कूल में हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, मैंने डायलॉग मारा, बोला दोनों सेम स्कूल से ना, वही बातें बोलने वाले दोनों लोग, आपके माता पिता भी आपके टीचर हैं, आप उनसे भी सीखे, ऐसा सिखाया तो उसने वही बात बोल दी होगी, बट या सो प्लीज आपका स्कूल, अच्छा आप स्कूल ही नहीं गए ना, तो रायन के बाद वापस बात गए हो, हैप्पी टीचर्स डे, और सारी टीचर्स को बोलना चाहूँगा, जितने भी मेरे मेंटर्स रहे हैं, जितने भी टीचर्स रहे हैं, बहुत गाइडेंस जो आपने दी है, मेरी माँ एक बहुत बड़ी टीचर रही है मेरी ज़िंदगी में, जो उन्होंने सिखाया है, तो मम्मी को थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे मम्मी, और हाँ मतलब बिना टीचर्स के तो हम कुछ सीखते नहीं है ना, बिगड़े हुए होते हैं, और टीचर्स हमें सही राह पर दिखाती हैं, चलाती हैं, हाँ ऐसी मम्मी ने भी चलाया मुझे, और मैं एकदम गुड बॉय बन गया है ना, बहुत अच्छी बात है कही, गुड बॉय तो है। और हाँ हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी बोलना एक बार, साहिल ने एकदम सही कहा, सारी बातें बोल दी, आगे बोलूं हैप्पी टीचर्स डे, इसे बिल्कुल एडिट मत करना प्लीज, इसे पूरा देखने दो। हाँ तो बहुत अच्छी बातें बोली।